हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802 कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम। स्टार्टिंग विद यूनिट 1 डेटाबेस कंसेप्ट्स आरडीबीएमएस टूल। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज़ डेटा रिडंडेंसी, मींस एक ही इंफॉर्मेशन मल्टीपल फाइल्स में अवेलेबल होती है जिसकी वजह से स्पेस वेस्ट होता है। एंड क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत सारी फाइल्स में अवेलेबल है बट जो डेटा है वो रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब है कि अगर हमने एक फ़ाइल को अपडेट कर दिया एंड दूसरी फ़ाइल को अपडेट नहीं किया तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी होगी। एंड हमें अगर मल्टीपल फाइल्स में से इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो वो डिफ़िकल्ट होगा। एंड ये सभी प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के लिए डेटाबेस अप्रोच में सिंगल रिपोजिटरी मेंटेन की जाती है सो दैट डेटा एक सेंट्रल रिपोजिटरी में डिपॉजिटेड रहे एंड हमें उसे कहीं डिफरेंट फाइल्स में स्टोर ना करना पड़े। Then there are four types of users of DBMS. First is end user, means जो DBMS को simply अपना task complete करने के लिए use करते हैं and कोई भी वर्किंग डिज़ाइनिंग में रोल नहीं होता है एंड यूज़र का। देन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मींस DBA, ये एडमिनिस्टर करता है कंप्लीट डेटाबेस एंड DBMS को। देन एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, जो हमारे डेटाबेस के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते हैं सो दैट एंड यूज़र इंटरेक्ट कर पाए डेटाबेस के साथ। देन सिस्टम एनालिस्ट मींस जो एंड यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करता है एंड ऐसी स्पेसिफिकेशंस डेवलप करता है जिनसे ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो पाएं। DBMS अप्रोच यूज़ करने के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे हाई कॉस्ट, मींस जब हम DBMS सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। एंड सिक्योरिटी एंड रिकवरी ओवरहेड्स भी होते हैं। रिलेशनल मॉडल में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जैसे रो के लिए हम यूज़ करते हैं टपल, कॉलम एट्रीब्यूट, टेबल रिलेशन। सो ये सभी करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं इन केस ऑफ रिलेशनल मॉडल। एंड अगर कार्डिनैलिटी की बात करें तो ये होता है नंबर ऑफ रोज, मींस एक रिलेशन में कितने टपल्स प्रेजेंट हैं उनका नंबर होता है कार्डिनैलिटी। एंड डिग्री मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशन। नल वैल्यू को 3 केसेस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट केस जब हमें वैल्यू पता नहीं है, सेकंड केस जब वैल्यू अवेलेबल नहीं है एंड थर्ड केस जब वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होती, मींस वहाँ पर कोई वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन रिलेशनल मॉडल कॉन्स्ट्रेंट्स। फर्स्ट इज़ डोमेन कॉन्स्ट्रेंट, ये स्पेसिफाई करता है एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू आएगी वो डोमेन से ली जाएगी। देन की कॉन्स्ट्रेंट में सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की, ये सभी की स्पेसिफाई होती हैं। देन नल वैल्यू कॉन्स्ट्रेंट, जब हमें ये स्पेसिफाई करना है कि सर्टेन एट्रीब्यूट्स में नल वैल्यूज़ नहीं हो सकती तब हम नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट यूज़ करते हैं। देन एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, ये स्पेसिफाई करता है कि किसी भी रिलेशन की प्राइमरी की नल वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करती है। एंड इसका रीज़न ये है कि अगर प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यूज़ एक्सेप्ट की गई तो वहाँ पर प्राइमरी की सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी, सो दैट इज़ वाई वी हैव दिस एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। देन नेक्स्ट इज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक रिलेशन की प्राइमरी की दूसरे रिलेशन में एज फॉरेन की यूज़ करनी है एंड ये चेक करना है कि जो दोनों रिलेशंस में डेटा है वो एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है, मीन्स करेक्ट है। SQL कमांड्स के 2 टाइप्स होते हैं, DDL एंड DML। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जहाँ पर हम ऐसी कमांड्स की बात करते हैं जिनकी हेल्प से डेटा के स्ट्रक्चर को क्रिएट, मॉडिफाई या फिर डिलीट कर सकते हैं। एंड अगर डीएमएल कमांड्स की बात करें, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो यहाँ पर हम ऐसी कमांड्स यूज़ करते हैं जिनकी हेल्प से डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, मींस जो एक टेबल में डेटा एंटर्ड है उसे मैनिपुलेट करते हैं. सो दीज आर डीएमएल कमांड्स. देन commonly used data types in MySQL, char and varchar for text data, date for date data type, integer and decimal for numeric data type. SQL स्टेटमेंट्स को एंड करने के लिए सेमीकॉलन यूज़ करते हैं एंड SQL स्टेटमेंट्स केस सेंसिटिव नहीं होती हैं. इसका मतलब है कि आप अपर केस में लोअर केस में लिख सकते हैं, केस मैटर नहीं करता है, आप कोई भी केस में लिखिए वो सेम होगा. देन क्रिएट टेबल कमांड, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक न्यू टेबल मीन्स एक न्यू रिलेशन क्रिएट करना है एंड इसके लिए यहाँ पर सिंटेक्स गिवन है. सो सबसे पहले क्रिएट टेबल कीवर्ड मेंशन करेंगे, देन टेबल नेम में आपको यहाँ पर टेबल नेम मेंशन करना है, देन आपको पैरेंथेसिस में डिफरेंट कॉलम्स की डेफिनेशन देनी है. सबसे पहले कॉलम नेम, देन कॉलम में क्या डेटा टाइप होगा वो डेटा टाइप देना है एंड अगर वहाँ पर कोई कांस्टेंट अप्लाई होने वाला है तो वो कांस्टेंट मेंशन करना है. देन कॉमा पुट करने के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम की डेफिनेशन देनी है एंड इसी तरह से जितने भी कॉलम्स हैं उन सब की डेफिनेशन देने के बाद पैरेंथेसिस को क्लोज करना है. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया SQL स्टेटमेंट शुड एंड विद अ सेमीकॉलन, सो यहाँ पर एक सेमीकॉलन पुट करना है. देन शो टेबल्स कमांड, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें करंट डेटाबेस में प्रेजेंट टेबल्स की एक लिस्ट देखनी है, मींस वहाँ पर सारी टेबल्स के नेम्स होने चाहिए, तो इसके लिए हम शो टेबल्स कमांड यूज़ करते हैं. क्रिएट डेटाबेस कमांड न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस कीवर्ड लिखेंगे एंड उसके बाद डेटाबेस नेम मेंशन करेंगे, देन सेमीकॉलन. नेक्स्ट शो डेटाबेस, ये कमांड तब यूज़ करते हैं जब हमें करंट सर्वर पर एग्जिस्टिंग डेटाबेस की लिस्ट चाहिए. जिस तरह से हमने टेबल्स के लिए शो टेबल्स यूज़ किया था तो डेटाबेस देखने के लिए हमें शो डेटाबेसेस यूज़ करना होगा. देन अगर हमें कोई डेटाबेस रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप डेटाबेस कमांड. सबसे पहले ड्रॉप डेटाबेस कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे, देन डेटाबेस का नेम, देन सेमीकॉलन. देन यूज़ कमांड, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें बताना है सर्वर में कि हम कौन सा डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं, मींस अगर हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस अवेलेबल हैं तो हमें सर्वर को बताना पड़ेगा कि हमें एग्जैक्टली कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है. तो इसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे, सबसे पहले यूज़ कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे, देन डेटाबेस नेम, देन सेमीकॉलन. डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स, नॉट नल कॉन्स्टेंट तब यूज़ करते हैं जब कॉलम में कोई भी नल वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होगी. इसका मतलब है कि अगर हमने किसी भी कॉलम डेफिनेशन के आगे नॉट नल कीवर्ड मेंशन किया है तो वहाँ पर नल वैल्यूज़ एक्सेप्टेड नहीं होंगी. देन डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, मींस जब यूज़र ने उस कॉलम की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ की जाएगी. देन चेक कॉन्स्टेंट, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्रिएट टेबल कमांड में कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है जिसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ इनपुट में लेने वाले हैं, बट ये चेक कॉन्स्टेंट MySQL सपोर्ट नहीं करता है. देन की कॉन्स्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया डिफरेंट कीज़ हैं, तो अगर आपको प्राइमरी की कॉन्स्टेंट को डिफाइन करना है तो उसके लिए आप कॉलम डेफिनेशन के आगे प्राइमरी की कीवर्ड मेंशन करते हैं. देन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, जिसमें हम बात करते हैं फॉरेन की सो जैसे कि आप जानते हैं जब हम एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में यूज़ करते हैं उसे कहते हैं फॉरेन की. सो यहाँ पर एग्जाम्पल में डिपार्टमेंट में प्राइमरी की है डेप्ट आईडी एंड टीचर टेबल में प्राइमरी की है टीचर आईडी, बट हमने टीचर टेबल में एक ऐसा कॉलम लिया है डेप्ट नंबर जो रेफरेंस करता है डिपार्टमेंट टेबल की डेप्ट आईडी मींस प्राइमरी की को. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉरेन की रेफरेंस करता है दूसरी टेबल की प्राइमरी की को, इसका मतलब है कि डेप्ट नंबर एक फॉरेन की है एंड यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, मींस रेफरेंस टेबल है, रेफरेंसिंग टेबल है एंड दोनों के बीच इंटीग्रिटी मींस दोनों का डेटा वैलिडेट रहे, इसलिए यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट अप्लाई हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमने फॉरेन की डिफाइन की है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट की हेल्प से। तो फॉरेन की है डेप्ट नंबर एंड ये रेफरेंस कर रही है डिपार्टमेंट टेबल की डेप्ट आईडी को। इसका मतलब है डेप्ट आईडी प्राइमरी की है डिपार्टमेंट टेबल के लिए। तो यहाँ पर हम अगर कोई भी चेंज करते हैं डेप्ट आईडी मींस प्राइमरी की एट्रीब्यूट वैल्यू में या फिर फॉरेन की एट्रीब्यूट वैल्यू में, तो वहाँ पर हो सकता है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वॉयलेट हो जाए। मींस हम कोई ऐसा चेंज कर दें जिसकी वजह से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वॉयलेट हो जाए। तो उस केस में क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। तो दो कमांड्स हैं, ऑन डिलीट ऑन अपडेट। मींस अगर हमने डेप्ट आईडी में कुछ डिलीट किया है या फिर कुछ अपडेट किया है तो उसके करेस्पॉन्डिंग फॉरेन की मींस डेप्ट नंबर में क्या चेंज होना चाहिए, इस चीज़ के लिए हम थ्री एक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, सेट नल, कास्केड, रिस्ट्रिक्ट। सो सेट नल का मतलब है कि अगर हमने डेप्ट आईडी में कुछ भी डिलीट या अपडेट किया है तो डेप्ट नंबर नल सेट हो जाएगा, मींस वहाँ पर नल वैल्यू शो हो जाएगी। देन कास्केड का मतलब है अगर हमने डेप्ट आईडी में कुछ भी डिलीट किया है या अपडेट किया है तो सिमिलर चेंज हमें डेप्ट नंबर में देखने को मिलेगा। देन रेस्ट्रिक्ट का मतलब है कि अगर हम डेप्ट आईडी में कोई भी डिलीट या फिर अपडेट कमांड यूज़ कर रहे हैं तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मींस वो कमांड वहाँ पर परफॉर्म नहीं होगी, उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास दो कमांड्स हैं एंड थ्री एक्शंस हैं जो हम उस केस में यूज़ करते हैं जब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वॉयलेट होता है। एंड ये हमें कब डिफाइन करना होता है ये सब एक्शंस, ये सब कमांड्स? जब हम क्रिएट टेबल कमांड लिख रहे हैं एंड वहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं, वहीं पर हमें ये एक्शन एंड ये कमांड स्पेसिफाई करने होते हैं जिस तरह से यहाँ एग्जाम्पल में गिवन है। जब प्राइमरी की और फॉरेन की एक ही टेबल में प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। मींस यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप फॉरेन की दूसरी टेबल में स्पेसिफाई करें, आप फॉरेन की उसी टेबल में स्पेसिफाई कर दें जहाँ पर प्राइमरी की है एंड फॉरेन की उसी टेबल के कॉलम्स को रेफ़र कर सकती है। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल एंड इसका एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। सो अगर आपको नहीं पता है, हमने इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा था 3 पार्ट्स में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपली एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं पूरे सिलेबस का। सो लेट अस कंटिन्यू। ड्रॉप टेबल कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें टेबल स्ट्रक्चर डिलीट करना है। इसके लिए सबसे पहले ड्रॉप टेबल कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे, देन टेबल नेम, देन सेमीकॉलन। देन ऑल्टर टेबल कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब बेस टेबल की डेफिनेशन में कुछ चेंज करना है। मीन्स अगर सपोज़ हमें कोई ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल में एक कॉलम ऐड करना है तो हम यहाँ पर कमांड यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल, देन टेबल नेम, देन ऐड कीवर्ड के बाद न्यू कॉलम का नेम एंड उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, देन सेमीकॉलन। सो इस तरह से ऑल्टर टेबल कमांड यूज़ करते हैं। डिलीट कमांड तब यूज़ करते हैं जब हमें टेबल से टपल्स को रिमूव करना है, मींस टपल्स को डिलीट करना है। तो हम सबसे पहले डिलीट फ्रॉम कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे, देन टेबल नेम, देन वेयर क्लॉज में कंडीशन स्पेसिफाई करनी है कि आपको कौन से टपल्स रिमूव करने हैं। अगर आपने कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं की इसका मतलब है कि आपको सारे टपल्स डिलीट करने हैं, तो वहाँ पर सारे टपल्स डिलीट हो जाएंगे। देन सेलेक्ट कमांड ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डेटाबेस से कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करनी हो। यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे, देन जो भी एट्रीब्यूट्स हमें चाहिए वो हम कॉमा लगाकर यहाँ पर लिखते हैं। देन फ्रॉम के बाद टेबल नेम प्रोवाइड करेंगे एंड अगर एक से ज़्यादा टेबल है तो वो भी आप कॉमा लगाकर लिख सकते हैं। एंड वेयर के बाद कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि आपको एग्जैक्टली कौन से कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं। डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं जब क्वेरी के रिजल्ट में कोई रिपीटिशन नहीं चाहिए, मींस कोई रिपीटेड वैल्यूज़ वहाँ पर ना हो, सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हो, तब हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। देन लाइक कीवर्ड यूज़ करेंगे जब हमें स्ट्रिंग का पार्ट मैच करना है गिवन स्ट्रिंग के साथ। सो यहाँ पर दो रिजर्व्ड कैरेक्टर्स हैं। परसेंट ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर ज़ीरो या उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स अवेलेबल है। एंड अंडरस्कोर एक कैरेक्टर को डिनोट करता है, तो हमने जितने अंडरस्कोर लगाए हैं वहाँ पर उतने कैरेक्टर डिनोट होंगे। देन ऑर्डर बाय क्लॉज, जो गिवन क्वेरी का रिजल्ट है उसे सॉर्ट करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की वैल्यू के बेसिस पर ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करते हैं। देन नल वैल्यू शो करने के लिए या फिर ये चेक करने के लिए कि कॉलम में नल वैल्यूज़ जो भी प्रेजेंट हैं वो सब शो हो जाएं, तब हम इज नल कीवर्ड यूज़ करते हैं। एंड अगर हमें ये चेक करना है कि वहाँ पर नल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, तब इज़ नॉट नल कीवर्ड यूज़ करते हैं। देन एग्रीगेट फंक्शंस, ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस जो डेटाबेस में ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ पर अप्लाई होते हैं, मीन सिंगल वैल्यू पर अप्लाई नहीं होंगे, बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ होंगी, उस पर अप्लाई होगा। सो यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन है काउंट। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्वेरी के रिजल्ट में नंबर ऑफ टपल्स को काउंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप काउंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आप ये कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे? सेलेक्ट कीवर्ड में जब आप कॉलम नेम प्रोवाइड कर रहे हैं आप वहीं पर काउंट कीवर्ड यूज़ करेंगे, ये इंडिकेट करने के लिए कि आपको वहाँ पर नंबर ऑफ टपल्स को काउंट करना है। देन सम मीन्स अगर आपको ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ का सम करना है। मैक्स मीन्स अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिन अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। एंड एवरेज टू फाइंड द एवरेज ऑफ द वैल्यूज़। तो इस तरह से ये एग्रीगेट फंक्शंस आप सेलेक्ट क्लॉज में यूज़ करते हैं। देन ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एट्रीब्यूट के बेसिस पर ग्रुपिंग करनी है एंड ये एट्रीब्यूट सेलेक्ट क्लॉज में प्रेजेंट होना नेसेसरी है, मींस हमने वो एट्रीब्यूट सेलेक्ट क्लॉज में प्रोवाइड किया है तभी हम उसके बेसिस पर ग्रुपिंग कर सकते हैं। देन हैविंग क्लॉज कब यूज़ करते हैं? जब हमें इस ग्रुप पर कोई कंडीशन अप्लाई करनी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं बट वो ग्रुप पर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वेयर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर यूज़ होगा हैविंग क्लॉज। एंड हैविंग कीवर्ड के बाद आप कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो इस ग्रुप पर अप्लाई होने वाली है। देन प्रोसीडिंग टू यूनिट 2 ऑपरेटिंग वेब। ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम को यूज़ करने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं कंज्यूमर्स के लिए भी एंड प्रोवाइडर्स के लिए भी। कंज्यूमर्स मीन्स जो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की हेल्प से रिजर्वेशन कर रहे हैं उनके लिए कन्वीनियंट होता है, मीन्स वो कहीं भी किसी भी टाइम रिजर्वेशन कर सकते हैं। सिक्योरिटी मीन्स वो जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो सिक्योर रहती है, उनकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर्ड रहती है। देन कन्फर्मेशन मीन्स रिजर्वेशन करने के बाद उन्हें कंफर्मेशन भी मिल जाता है कि उनका रिजर्वेशन हो गया है। देन प्रोवाइडर्स के लिए भी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि उन्हें ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत कम स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है एंड कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मींस ज़रूरी नहीं है उनकी बहुत बड़ी कंपनी हो तभी वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। वो एक छोटी सी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं बहुत स्मॉल एरिया में एंड अच्छी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं एंड ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं कंज्यूमर्स को, जिसकी हेल्प से वो अपनी सर्विस एक बड़े लेवल पर एक बड़े एरिया में प्रोवाइड करा सकते हैं। IRCTC फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। देन द फील्ड्स मार्क्ड विद अ स्टार आर मैंडेटरी। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, हम ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हैं तो हम कोई भी ऑनलाइन सर्विस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कभी कभी हमें फॉर्म फिल करने पड़ते हैं एंड वहाँ पर कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जहाँ पर स्टार मार्क्ड होता है, इसका मतलब है कि वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, कंपलसरी है उन्हें फिल करना। देन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, बहुत सारे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं, यहाँ पर मेन गिवन है एंड ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली NEGP एंड NEGD, इनके फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिस्निक प्रोग्राम, NIC, NET, ये भी मेंशन कर सकते हैं। देन की ई गवर्नेंस साइट्स ऑफ इंडिया, जब ई गवर्नेंस करना है तो गवर्नमेंट को वेबसाइट्स भी चाहिए, तो उसके लिए दो मेन वेबसाइट्स हैं, द नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया india.gov.in एंड goi directory.nic.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब डायरेक्ट्री, ये दो मेन साइट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। देन ऑनलाइन शॉपिंग, एक ऐसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन जहां पर कस्टमर गुड्स परचेज करता है इंटरनेट की हेल्प से, फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट बहुत कॉमन है। देन बिल पेमेंट्स मीन्स आप बिल किस तरह से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर, कैश ऑन डिलीवरी एंड वायर ट्रांसफ़र। सो ये सभी वेज हैं जिनकी हेल्प से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। जब टीचर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाते हैं उसे कहते हैं ऑनलाइन टीचिंग या फिर ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड ये 3 टाइप्स के होते हैं, वीडियो और स्लाइड ट्यूटोरियल मींस जहां पर टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वीडियो एंड स्लाइड्स यूज़ करते हैं। इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल मींस यहाँ पर इंटरेक्शन होता है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच, स्टूडेंट्स अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं एंड टीचर्स उसको आंसर करते हैं, सो इस तरह से इंटरेक्शन होता है। देन वेबिनार्स, ये रियल टाइम लेक्चर्स होते हैं, मींस टीचर आपको ऑनलाइन एक्सप्लेन करेगा एंड आप उसी टाइम वहाँ पर जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं एंड जो इंटरेक्शन होता है वो लाइव इंटरेक्शन होता है ऑनलाइन। देन वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए 4 फेजेस होते हैं, रिक्वायरमेंट्स, डेफिनेशन, जहां पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस बारे में प्रोजेक्ट बनाना है एंड इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना स्कोप है, ये सभी चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन फेज़ में। देन डिज़ाइन फेज़, यहाँ पर हम एक बेसिक डिज़ाइन मीन्स जो वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका एक बेसिक मैप, पेज स्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़, यहाँ पर हम बैक एंड बनाते हैं, फ्रंट एंड बनाते हैं एंड दोनों को कनेक्ट करते हैं। देन टेस्टिंग फ़ेज़, यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं कि हमारी जो वेब एप्लीकेशन बनी है वो डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ डेटा के साथ वर्क करती है या फिर नहीं एंड अगर इनकेस कोई एरर मिलता है तो उसे करेक्ट किया जाता है एंड देन अगेन टेस्ट किया जाता है। सो ये है 4 फेजेस ऑफ वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। देन यूनिट 3 फंडामेंटल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, अगर आपको ये सभी नोट्स एक रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए तो आप बुक परचेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो इस बुक में आपको नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे एंड प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, तो यहाँ पर आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा एंड आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए इस बुक की हेल्प से, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जब एक प्रोग्रामर जावा प्रोग्राम को जावा बाइट कोड में कंपाइल करता है जावा कंपाइलर की हेल्प से, तब वो बाइट कोड जब रन किया जाता है किसी भी कंप्यूटर पर तो वहाँ पर प्रेजेंट जावा इंटरप्रेटर मींस जावा वर्चुअल मशीन JVM ट्रांसलेट कर देता है बाइट कोड को मशीन कोड में एंड फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। तो इसका एडवांटेज ये रहता है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है अगर वहाँ पर JVM प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से जावा प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, मींस किसी भी प्लेटफॉर्म पर वर्क कर सकते हैं एंड हाईली पोर्टेबल होते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जावा बाइट कोड एंड JVM का, सो आपको इसे याद रखना है। देन कमेंट्स, जब किसी भी प्रोग्रामर को एक्सप्लेनेटरी नोट्स प्रोवाइड करने हैं दूसरे लोगों को जो कोड पढ़ने वाले हैं, तब वो कमेंट्स यूज़ करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स लिखनी है तो कॉन्सिक्यूटिव फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ बिगिन कर सकते हैं। एंड अगर मल्टी लाइन कमेंट्स लिखनी है तो उन्हें सिंबल्स यूज़ करने पड़ते हैं, स्लैश, स्टार एंड स्टार स्लैश। सो इसके बीच में वो मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं। सो ये टू वेज हैं जिनकी हेल्प से प्रोग्रामर्स कमेंट्स लिखते हैं। देन एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जिसे एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है उसे कहते हैं मेथड। मेन एक स्पेशल मेथड है जो हर जावा एप्लीकेशन में होना ज़रूरी है। एंड जब किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो मेन मेथड में स्टेटमेंट्स हैं वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती हैं। देन जावा स्टेटमेंट्स मस्ट एंड विद अ सेमीकॉलन, जैसे हमने माई सीक्वल में पढ़ा, सीक्वल स्टेटमेंट सेमीकॉलन के साथ एंड होती हैं, उसी तरह जावा स्टेटमेंट भी सेमीकॉलन के साथ एंड होती हैं। जावा इज़ केस सेंसिटिव, यहाँ पर केस अपोजिट है। अगर हम माई सीक्वल की बात कर रहे थे तो वहाँ पर केस मैटर नहीं कर रहा था, बट जावा में केस मैटर करता है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप वेरिएबल नेम कैपिटल में देंगे तो वो अलग है, आप वेरिएबल नेम लोअर केस में देंगे तो वो अलग है। तो यहाँ पर केस मैटर करता है। देन वेरिएबल डेटा के लिए प्लेस होल्डर जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। जब भी हम जावा में डेटा वेरिएबल्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें उन्हें डिक्लेयर करना होगा एंड इनिशियलाइज करना होगा, तब उसके बाद हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। देन देयर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। एंड यहाँ से दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। बाइट डेटा टाइप का साइज़ पूछा गया है एंड बूलियन डेटा टाइप का साइज़ पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये सभी डेटा टाइप्स, इनके टाइप ऑफ वैल्यूज़ एंड साइज़ लर्न करने हैं। Now let us have a quick look on the syntax of statements given in Java. So if else statement, यहाँ पर सबसे पहले if कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस में कंडीशनल एक्सप्रेशन मीन्स टेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एंड अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो else स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट ब्लॉक गिवन है वो एग्जीक्यूट होता है। देन स्विच स्टेटमेंट, यहाँ पर सबसे पहले स्विच कीवर्ड के बाद एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड होता है पैरेंथेसिस में, एंड ये एक्सप्रेशन मैच करना होता है गिवन केस वैल्यूज़ के साथ। तो यहाँ पर डिफरेंट केस होंगे, उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, एंड जिस भी केस की वैल्यू मैच करती है उसके करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं। एंड हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट देनी होती है। अगर हमने ब्रेक नहीं दी तो एग्जीक्यूशन वहाँ पर नहीं रुकती है एंड डाउनफॉल कर जाती है नेक्स्ट केस पर। तो इसलिए आपको हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होती है। एंड सपोज़ कोई भी वैल्यू मैच नहीं की, उस केस में डिफ़ॉल्ट पार्ट में जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। वाइल स्टेटमेंट में हमें एक एक्सप्रेशन गिवन होता है वाइल कीवर्ड के बाद, एंड अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, एंड अगर ये फॉल्स है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती। इसका मतलब है कि वाइल एंट्री कंट्रोल लूप है, ये एंट्री को कंट्रोल कर रहा है। अगर ट्रू है तो एंट्री हो रही है, ट्रू नहीं है तो एंट्री नहीं हो रही। देन डू वाइल स्टेटमेंट, ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। यहाँ पर डू पहले गिवन है, इसका मतलब है कि एक बार स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट हो जाती हैं। वाइल बाद में गिवन है, मीन्स एक बार स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद ये चेक होगा कि जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है या फिर नहीं। अगर ये ट्रू होता है तो एग्जीक्यूशन दोबारा होती है, बट अगर ये ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है, उस केस में एग्जीक्यूशन यहीं पर स्टॉप हो जाती है, मीन्स लूप एग्जिट हो जाता है। इसका मतलब है कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। एंड वाइल एंड डू वाइल के बीच डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। देन फोर स्टेटमेंट, फोर कीवर्ड प्रोवाइड करने के बाद पैरेंथेसिस में तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। सबसे पहली काउंटर या फिर इनिशियल वैल्यू, मींस जो इनिशियल वैल्यू जिसके साथ हम लूप में एंटर करने वाले हैं वो, देन टेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, मींस जिसके बेसिस पर ये टेस्ट होगा कि गिवन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है या फिर नहीं। देन चेंज काउंटर, ये वो स्टेप होता है जिसके बेसिस पर जो इनिशियल वैल्यू थी उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, एंड देन टेस्ट कंडीशन को फिर से टेस्ट किया जाता है एंड देखा जाता है कि स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी या फिर नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ जावा मेथड, सबसे पहले रिटर्न टाइप प्रोवाइड करेंगे, देन मेथड नेम, देन पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स की लिस्ट प्रोवाइड करनी है कॉमास लगाकर, एंड देन स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न स्टेटमेंट भी मेंशन करने हैं। देन कंस्ट्रक्टर मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है। ये एक स्पेशल मेथड मेंबर है जो इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एंड जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, एंड पैरामीटर लिस्ट हो भी सकती है और नहीं भी, ऑप्शनल है। देन अगर हमें पैकेज से क्लास इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, याद रखना है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है। देन एरे को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट मेथड यूज़ करते हैं, एंड अगर एरे में कोई स्पेसिफिक एलिमेंट सर्च करना है तो बाइनरी सर्च मेथड यूज़ करते हैं। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए दो कीवर्ड्स हैं जावा प्रोवाइड करता है, ट्राई एंड कैच। ट्राई ब्लॉक सराउंड करता है ऐसा पार्ट जिसकी वजह से एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, ऐसा कोड ट्राई ब्लॉक में गिवन होता है। एंड ट्राई ब्लॉक के बाद कैच ब्लॉक गिवन होता है जिसमें एक ऐसा कोड गिवन होता है जो तब एग्जीक्यूट होगा जब एक्सेप्शन होगी। सो ये ट्राई एंड कैच ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है, आपको इन्हें लर्न करना है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्राई कैच स्टेटमेंट ब्लॉक, एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, आपको लर्न करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ असर्शन। यहाँ पर हम बात करते हैं असर्ट स्टेटमेंट की, मीन्स एक ऐसी स्टेटमेंट जो एक कंडीशन देती है जो ट्रू होनी चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों वेज गिवन है। देन मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है मल्टीपल थ्रेड्स हैं, मीन्स दो या दो से ज़्यादा थ्रेड्स हैं। तो थ्रेड्स का क्या काम है, क्या बेसिक पर्पस है थ्रेड्स यूज़ करने का? बेसिक पर्पस है कि हम डिफरेंट टास्क इंडिपेंडेंटली कर पाएँ सेम टाइम पर, मींस डिफरेंट टास्क है, एक थ्रेड है उसका एक टास्क है, दूसरा थ्रेड है उसका दूसरा टास्क है, तो ये सभी अपना टास्क इंडिपेंडेंटली कर पाएँ सेम टाइम पर, इसलिए हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम यूज़ करते हैं। एंड थ्रेड्स क्रिएट करने के टू वेज होते हैं, फर्स्ट इज बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास एंड सेकेंड इज बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। देन रैपर क्लासेस, ये हम तब यूज़ करते हैं जब प्रिमिटिव डेटा टाइप को क्लास के ऑब्जेक्ट में रैप करना है, मींस प्रिमिटिव डेटा टाइप को रेफरेंस से पास करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, इंटीजर रैपर क्लास होल्ड करती है इंट वेरिएबल को। इसी तरह से डिफरेंट वेरिएबल टाइप्स के लिए, जो भी डेटा टाइप्स हैं सभी के लिए रैपर क्लासेस होती हैं। देन प्रोसीडिंग टू यूनिट 4, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी डीएमए। यहाँ पर दो टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले टाइप में आपसे डेटाबेस एप्लीकेशन पूछी जा सकती है किसी भी डोमेन में, तो आपको एटलीस्ट 3 यूजेस लर्न करने हैं सो दैट आप इजीली 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। देन सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ डिटेल गिवन होगी एंड उसके बेसिस पर आपको टेबल का स्कीमा एंड उसकी डिटेल्स मेंशन करनी होगी। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, हमें यहाँ पर गिवन है अ कंपनी इज़ मेकिंग डेटाबेस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल, मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट्स का डेटाबेस बन रहा है, तो हमें यहाँ पर डिटेल्स देनी है कैटेगरी टेबल की, मीन्स कैटेगरी किसकी होगी, प्रोडक्ट्स की होगी। तो सबसे पहले हम स्कीमा प्रोवाइड करने वाले हैं। स्कीमा के लिए सबसे पहले टेबल नेम मेंशन करते हैं, देन पैरेंथेसिस में सबसे पहले प्राइमरी की प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर प्राइमरी की है कैटेगरी आईडी, सो हम इसे अंडरलाइन करेंगे क्योंकि प्राइमरी की को अंडरलाइन करना होता है। देन कॉमा पुट करेंगे एंड जितने भी कॉलम नेम्स इस टेबल में हैं वो सभी प्रोवाइड करेंगे। देन पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। सो डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए आपको 3 कॉलम्स प्रोवाइड करने हैं, नेम, डेटा टाइप एंड रिमार्क्स। नेम में आप कॉलम नेम्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी कॉलम नेम्स टेबल में अवेलेबल हैं। देन डेटा टाइप मीन्स किस कॉलम में कौन सा डेटा टाइप स्टोर होने वाला है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देन रिमार्क्स में आपको मेंशन करना है कि कॉलम नेम का क्या यूज़ है या फिर आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कैटेगरी आईडी आप किस लिए यूज़ करेंगे, प्राइमरी की के लिए, तो वो चीज़ आपने यहाँ पर रिमार्क्स में मेंशन कर दी। सो इसलिए आपको रिमार्क्स भी मेंशन करने हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने पूरे सिलेबस का एक क्विक रिवीजन कर लिया है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, आप देख सकते हैं। हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हैं वहाँ पर। एंड साथ ही मैं आपको दोबारा इन्फॉर्म करना चाहूँगी, अगर आपको क्लास 12 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 के लिए नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, बुक का लिंक गिवन है। एंड इस बुक में आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशंस, सारी चीज़ें एक जगह पर मिलती हैं। एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 4 यूनिट्स सब कुछ यहाँ पर कवर्ड है, तो आपको इस बुक से एक कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगी। तो आपको इस बुक से प्रिपेयर करने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन या फिर डाउट नहीं रहेगा एंड आप इजीली अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो दैट वॉज ऑल। इसी के साथ हमने क्विक रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड ये सभी चैप्टर्स की वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी।